ऐसा कोई जिला नहीं है जो बब्बन से हिला नहीं है। भारत के हर राज्य में, हर शहर में, हर गली मोहल्ले में एक ही बात पर चर्चा हो रही है, बब्बन कहाँ गया, बब्बन कहाँ गया, क्या बब्बन वापस आया या नहीं। इस भूत प्रेत की दुनिया में एक उम्मीद जागी थी, बब्बन तांत्रिक की, महान तांत्रिक जो दुनिया को बचाएगा ऐसी काली शक्तियों से। लेकिन बब्बन तो समय यात्रा से चला गया किसी और समय, कौन बचाएगा दुनिया को। लेकिन उम्मीद अभी बाकी है, क्योंकि वो है महान बब्बन तांत्रिक, समय यात्रा करने वाला बब्बन तांत्रिक। और उसकी महानता के किस्से सुनाए जाते हैं, क्या बताऊं लोगों को, मैं बताना नहीं चाहता। बब्बन तांत्रिक ने कैसे कैसे युद्ध किए, पिशाच पिशाचनी, कर्ण पिशाचनी, छलावा यक्षिणी और मुर्दा को जिंदा करना, उसके किस्से तो खत्म ही नहीं होते। कैसे खत्म होंगे, बब्बन तांत्रिक खुद खत्म नहीं होता, फिर से उठ खड़ा होता है अंडरटेकर की तरह। बब्बन तांत्रिक की आज की कहानी में दोस्तों, बब्बन तो चला गया किसी और समय, और वापिस आने के लिए उसकी मेहनत अपने गुरु तांत्रिक के साथ, ये एक महान किस्सा है जो आपको इतिहास में भी मिल जाएगा। किताबों में ढूंढने की कोशिश कीजिए और इस कहानी को सुनकर मेरा यकीन कीजिए, आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। बब्बन तांत्रिक और गुरु तांत्रिक उस जंगल में रो रहे थे। बब्बन खुद नहीं रो रहा था, गुरु तांत्रिक रो रहे थे, तो बब्बन भी रो रहा। बब्बन बार बार गुरु तांत्रिक को चुप करवाने की कोशिश करता और कहता, रोइए मत, जो नियति में लिखा है वो तो होना ही है, शायद वो हमारा समय नहीं था, ये हमारा समय है, हम इतिहास में चले आए हैं, मशहूर हो जाएंगे, हमारे पास वो शक्तियां हैं जो शायद लोगों ने देखी नहीं होंगी, हम दिखाएंगे, हम उन्हें वो शक्तियां दिखाएंगे। तब उस गुरु तांत्रिक ने कहा था, देख मैं तुम्हें चमाट दिखाऊंगा, तू मर जाएगा। बब्बन ने कहा था ठीक है। बब्बन ज्यादा बोला नहीं, गुरु के सामने क्या बोले। फिर वो तांत्रिक काफी समय रोता रहा और फिर उसने बब्बन को कहा था, बब्बन वापिस जाने की कोशिश करनी होगी, वापिस जाने की कोशिश करनी होगी। समय यात्रा कैसे की जाती है मुझे नहीं पता, तंत्र सिद्धियां मैंने भी की हैं, लेकिन समय यात्रा भी हो सकती है, मैं नहीं जानता था। वो रहस्यमय रेलगाड़ी हमें यहां फेंक कर चली गई, हमें वापिस जाने के लिए कोशिश तो करते रहना होगा। बब्बन ने कहा था, चलिए चलिए कोशिश करते हैं, ढूंढते हैं इस जंगल में कोई ना कोई रास्ता, भूत प्रेतों से भरी हुई ये रहस्यमय दुनिया, कोई ना कोई तरीका तो मिल जाएगा। अगर एक राक्षस समय यात्रा की रेलगाड़ी बना सकता है, हो सकता है कहीं और भी समय यात्रा का कोई ना कोई अंश मिल जाए। गुरु तांत्रिक की आंखें चमक गई थी और उससे ज्यादा चमकी थी बब्बन की। बब्बन कोई एडवेंचर करने वाला था, थोड़ा डर गुरु तांत्रिक को भी था। गुरु तांत्रिक भरोसा करते थे बब्बन पर कि जो बब्बन करेगा वो सीधा नहीं करेगा, इसीलिए डर भी था, खौफ का माहौल था। बब्बन के साथ चलना एक खौफनाक अनुभव होता है, गुरु तांत्रिक को पता था। शमशान घाट में वो इतनी भसड़ मचाता था, तो यहाँ खुले जंगल में वो क्या क्या कर सकता है, गुरु तांत्रिक जानते थे। दोनों चल रहे आगे, तभी उन्हें जंगल के बीचों बीच आग जलाए एक तांत्रिक मिला। उस तांत्रिक की उम्र 23-24 साल होगी, आग के बीच कुछ ना कुछ डाले जा रहा। गुरु तांत्रिक भागे भागे उसके पास, बब्बन तांत्रिक भी भागे भागे। दोनों जानते थे किसी और से बात करेंगे तो शायद कोई ना कोई खतरा हो, तांत्रिक मिला है यानी उनके जैसा, उससे अच्छे से बात की जा सकती है, एक दूसरे के राज पता होते हैं। दोनों वहां बैठ गए और वो जो तांत्रिक था देखने लगा, कौन हो तुम, कहां से आए हो, लगते तो तांत्रिक हो, गंजे क्यों हो, बाल क्यों कटवाए। दोनों क्या बताते, गंजे क्यों हैं, ये संस्था उनकी ऐसी थी भविष्य वाली, ये तो इतिहास है ना, जैसा कि उस रेलगाड़ी वाले राक्षस ने बताया, झूठ तो नहीं बताया, जानना चाहते थे। तभी गुरु तांत्रिक ने उस तांत्रिक को कहा था, समय क्या है, ये समय क्या है हमें बताइए। उसने कहा 1:30 बजे है। गुरु तांत्रिक ने कहा वो समय नहीं, ये कौन सा साल है हमें ये बताइए। उस तांत्रिक ने बताया 1911। क्या हुआ, भूल गए, दोनों के होश उड़ गए, 1911 इतना पीछे फेंक गया हो, क्या करें, बात करते हैं। अब दोनों तांत्रिक बताना नहीं चाहते थे उस तांत्रिक को हुआ क्या है, लेकिन तरीका जानना चाहते थे। दोनों ने कहा आपको पता है समय यात्रा भी हो सकती है, समय यात्रा, हम कहीं और से आए हैं, बताना नहीं चाहते,
हम वहां वापस जाना चाहते हैं, हम नहीं चाहते इतिहास बदले। वो जानना चाहता था कौन सा इतिहास, क्या बात कर रहे हो। दोनों ने थोड़ा सा हिंट दिया, रहस्यमय रेलगाड़ी के बारे में जानते हो। उस तांत्रिक ने कहा, हाँ यहाँ जंगल में नजर आती है। दोनों खुश, इसे तो पता है। फिर दोनों को लगा कि बता देना समझदारी होगा। दोनों ने कहा, हमने उसकी सवारी की, आपको पता है उसका रहस्य क्या है। उस तांत्रिक ने सामने से बोला, जानता हूं उस पर जो चढ़ता है वो दोबारा नहीं मिलता, क्योंकि वो रेलगाड़ी कभी आगे फेंक जाती है, कभी पीछे फेंक जाती है, समय में समय यात्रा करने वाली रेलगाड़ी। दोनों हक्के पक्के, ये तांत्रिक को सब कुछ पता है। जो हमें उसमें चढ़ने के बाद, समय में पीछे फेंके जाने के बाद पता लगा, 23 साल का तांत्रिक पहले से जानता है। ये कोई महान तांत्रिक है, ये महान तांत्रिक है। दोनों, जिनकी उम्र ज्यादा थी, 23 साल के तांत्रिक के पांव पड़े। वो तांत्रिक हैरान था, आप मुझसे बड़े हैं, आप मेरे पांव क्यों पड़ रहे हैं। दोनों क्या बताते, क्योंकि असल में वो जो 23 साल का तांत्रिक था ना, पुराने समय का था, असल में वो उनसे बड़ा होगा भविष्य में, इसीलिए उन्होंने पांव पड़े। वो समय के अंतराल में भी समझ रहे थे बड़ा वो है। दोनों ने फिर कहा, आप हमारी मदद कीजिए, हमें समय में वापस जाना है, क्या करें। उसने कहा, आसान है, सिद्धि, छोटी सी सिद्धि, वो ऊंची पहाड़ी नजर आ रही है। दोनों ने कहा, हाँ वो ऊंची पहाड़ी पर चलो मेरे साथ, छोटी सी साधना करनी है। साधना में तुम्हारे दिमाग में समय यात्रा से तुम वापस अपने समय में चले जाओगे। दोनों ने कहा, इतना आसान है। उसने कहा, हाँ आसान है मेरे लिए, बहुत कुछ जानता हूँ, भरोसा है मुझ पर। दोनों ने कहा, हाँ। उसने कहा, कैसे भरोसा है। दोनों ने कहा, पता नहीं। फिर उसने कहा, चलो भरोसा करो। उन्होंने कहा, ठीक है, साथ में चल पड़े। अब वो तांत्रिक आगे आगे बढ़ रहा और कह रहा, मुझसे धीमा चला नहीं जाता, उम्र देखो मेरी, ज्ञान बहुत है, मेरे पास समय कम है, जल्दी जल्दी भागो मेरे पीछे। वो तेजी से आगे बढ़ने लगा, दोनों पीछे पीछे। गुरु तांत्रिक उम्र में ज्यादा बड़े थे, बब्बन तांत्रिक भी बड़ा ही था, लेकिन दोनों से इतनी तेजी से भागा नहीं जा रहा, वो तो जवान भागा जा रहा। पहाड़ी बिल्कुल तीखी थी, पिरामिड की तरह एक कोने पर, और जहां से वो चढ़ रहा, तीखे जैसे चढ़ाई पर बड़े मुश्किल रास्ते थे, ऐसे 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 भागा जा रहा। ये दोनों देख रहे, इधर भी खाई इधर भी खाई, पांव फिसला तो गए, चढ़ना पहाड़ी पर है, समय में कहीं और जाना हो तो मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, कठिनाइयां पार करनी पड़ती हैं। रास्ते में गुरु तांत्रिक बब्बन को समझा रहा, कठिनाइयां पार करनी पड़ती हैं, कठिनाइयां खोना नहीं है, रुकना नहीं है, गिरना नहीं है, फिर उठ खड़े होना है। वो जो 23 साल का तांत्रिक था, वो तो बहुत ऊपर निकल गया, बहुत ऊपर निकल गया। दोनों भागे जा रहे, भागे जा रहे। फिर वो जो चढ़ाई थी पहाड़ की, ऐसे ऐसे हुई, वो आगे निकल रहा, बड़ी तेजी से निकल गया। दोनों भागे जा रहे, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे कि साथ रहे। पता नहीं कैसी ढलान सी आई, चढ़ाई टेढ़ी आई, दोनों का पांव फिसला, दोनों पहाड़ी से नीचे घिसट रहे, पेड़ों से टकराए, ढलान ऐसी कि रोका नहीं जा रहा। बब्बन कह रहा, रुकना नहीं है, चढ़ना है। गुरु तांत्रिक कह रहा, चुप कर जा, जिंदा बचना है। घिसट रहे सीधा नदी में, दोनों नदी में गिरे थे। पहाड़ी तो बहुत ऊंची थी, जिंदा बच गए, यही बहुत बड़ी बात है, नदी के कारण बचे। चढ़ाई ऐसे थी, ढलान से काफी ऊपर से नीचे नदी में गिरे थे, जिंदा तो बचे थे। नदी का बहाव बहुत ज्यादा तेज, बहुत ज्यादा तेज था, चोट भी बहुत लगी। फिर उस नदी से काफी बहकर पीछे रह गए, बहुत पीछे चले गए, जिस तरफ बहाव जा रहा नीचे की तरफ, काफी दूर। बड़ी मुश्किल से जो बब्बन था, उसे तरीके पता थे ऐसी बहाव वाली नदी से बाहर आने के, मगरमच्छों की सवारी कर चुका था, इस बार नहीं कर पाया। उसे पता लगा कि नदी में मगरमच्छ नहीं होते, फिर याद करने लगा कि वहां फिर किसका मुंह पकड़ा था, उसे याद नहीं आया। यहां लकड़ियां पकड़ी, टहनियां पकड़ी, गुरु तांत्रिक तो बेहोश थे, गुरु तांत्रिक को ऐसे पकड़ा, किसी तरह होश में लाया, फिर नदी के किनारे उस पहाड़ी से काफी दूर। थोड़ा होश आया जब गुरु तांत्रिक को, टांगे उनकी दर्द कर रही, पहाड़ी से गिरे थे, टांगे जैसे टूट गई हों या चोट लगी हो, टूटी तो नहीं थी, थोड़ी हिल रही। बब्बन ने थोड़ी मरम पट्टी की, खुद को भी संभाला, काफी ज्यादा चोट लगी थी। गुरु तांत्रिक कह रहे, किस जगह से फिसल गए हम, हमें तो ऊपर चढ़ना था। बब्बन कह रहा, ढलान आ गई अचानक से, क्या करें, हम तेज तो भाग रहे थे। दोनों की गलती थी, अकेले की थोड़े ना, वो तो जो तांत्रिक था चला गया, पता नहीं फंसाया उन्हें भरोसा नहीं था, फंसाया नहीं, ऐसे तांत्रिक ऐसे ही होते हैं, चंचल, हो सकता है वो चढ़ गया, हम गिर गए, फिर भी उन्हें भरोसा। लेकिन वो कह रहे, अब उस पहाड़ी पर कैसे जाएंगे, वो तो बहुत दूर दूर नजर आ रही है, नदी के बहाव से हम बहुत दूर आ गए, अब क्या करें। गुरु तांत्रिक ने कहा, हमें वापस जाना होगा दोबारा चलकर। बब्बन उठा मुझे कंधों पर,
बब्बन उठा। बब्बन ने कहा, नहीं आप तो बहुत भारी हो, कैसे उठाऊं? उसने कहा, मुझे उठा ऊपर लेकर जाना होगा, यही तरीका है, चलकर धीरे धीरे ऊपर जाएंगे। बब्बन ने कहा, नहीं तरीका मेरे पास और भी है, मैं जानता हूँ वो तरीका जिससे दोबारा हम उस जगह तक जा सकते हैं जहाँ से यहाँ तक नदी में बह कर आए हैं, वहाँ पहुँचेंगे, फिर एक तरफ से पहाड़ी पर दोबारा चढ़ जाएंगे, ऊपर जाकर सिद्धि करेंगे, काम आसान है। गुरु तांत्रिक को बार बार गुस्सा आ रहा था बब्बन पर। बब्बन कह रहा, मेरी क्या गलती है? गुरु तांत्रिक ने कहा, तेरी गलती नहीं है, लेकिन गुस्सा किस पर निकालूं? बब्बन ने कहा, ठीक है, आप मेरे गुरु हैं, मुझ पर गुस्सा निकालिए। उस तांत्रिक ने काफ़ी बार उसके सर पर मारा था, फिर उसका गुस्सा शांत हुआ। फिर बब्बन पर उसने भरोसा किया और कहा, बता तू क्या बताना चाहता है? बब्बन ने कहा, नाव, मुझे एक ऐसी नाव बनानी आती है जो बहाव के विपरीत चल सकती है। गुरु तांत्रिक ने कहा था, मुझे तो नहीं आती, ये कहाँ से सीखा तूने? बब्बन ने कहा, पता नहीं, मैंने कहीं पर पढ़ा था। गुरु तांत्रिक ने कहा, कहाँ पर पढ़ा था? बब्बन ने कहा, याद नहीं है। लेकिन गुरु तांत्रिक फिर भी भरोसा नहीं कर रहे। बब्बन ने कहा, भरोसा कीजिए। वो गुरु तांत्रिक कहने लगे, मैं भरोसा नहीं करता, तुम जाओ, मैं अपना जाऊंगा। बब्बन ने कहा, कैसे जाओगे? आपकी टांगें काम नहीं कर रही, आप दर्द क्यों सहना चाहते हैं? बैठे रहिए, मैं आपको लेकर जाऊंगा। गुरु तांत्रिक ने कहा, हाथ लगाया, मार दूंगा तुझे। बब्बन ने हाथ लगाया। बब्बन गुरु को कैसे मरने देता? बब्बन ने कई बांस के बड़े बड़े जैसे पेड़ लगे हुए, उन्हें काटा, आपस में जोड़ा रस्सियों से, ऐसे तीखा सा नाव का हिस्सा बनाया। पानी में नहीं डूब रहा था, पानी के ऊपर तैर रहा, एक तरफ रखा, बहाव काफ़ी ज़्यादा था, पीछे की तरफ बहाव के उल्टी तरफ जाना था। चप्पू बनाए चौड़े वाले, ये चप्पू दिखाकर बब्बन ने गुरु तांत्रिक को कहा था, देखिए कला, देखिए कला, ऐसी नाव बनाई है, इतनी शक्ति का प्रयोग करूंगा, बहाव के विपरीत जाना है। आपने कहा था एक बार, हम बहाव के साथ बहते चले जाते हैं, ये दुनिया हमें बहाती चली जाती है, ये माया है, इस माया की दुनिया में बहते चले जाना सही नहीं है। कई बार हमें बहाव के विपरीत दिशा में जाना पड़ता है, हमें उस नदी को, उस पानी को चीरते हुए उल्टे जाना पड़ता है। सच हमें तब मिलता है, मुश्किलों में पड़ने के बाद हमें अच्छी चीज़ें मिलती हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा था, भाग जा यहाँ से, मुझे हाथ मत लगा। बब्बन ने कहा, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। बब्बन ने हाथों पर कई पत्ते लपेट लिए, हाथ नहीं लगाया, ऐसे उठा लिया था। गुरु तांत्रिक मारना चाहता था। गुरु तांत्रिक कह रहा, छोड़ मुझे। बब्बन ने कहा, नहीं मैं हाथ थोड़े ना लगा रहा हूँ। बब्बन ने इसी तरह से गुरु तांत्रिक को उठाकर उस नाव पर रख दिया था। पहली बार बब्बन ने गुरु तांत्रिक के मुंह से गालियां सुनी थी। बब्बन ने कान बंद कर लिए, मैं नहीं सुन रहा। हाँ आप थोड़े ना बोल रहे हैं, गुस्सा बोल रहा है। तब उस गुरु ने कहा था, गुस्सा नहीं बोल रहा, असल में बोल रहा हूँ, छोड़ दे मुझे, उतार दे। बब्बन ने कहा, नहीं आपको बचाना मेरा फर्ज है। गुरु तांत्रिक ने कहा था, तू मुझे मरवा देगा। बब्बन ने कहा था, नहीं मरवाता, मुझ पर यकीन कीजिए। गुरु तांत्रिक ने कहा था, नहीं करूंगा। बब्बन ने कहा था, धन्यवाद। फिर बब्बन ने गुरु तांत्रिक को उस नाव पर बिठा दिया था। बड़े बड़े चप्पू थे। बब्बन फिर नाव पर धक्का दिया, नदी के ऐसे बीच में नाव आ गई। नाव बहाव के साथ जा रही। बब्बन बहाव के साथ नाव को जाने देना नहीं चाहता था। बब्बन ने चप्पू मारने शुरू किए और कहा, देखिए गुरुजी, देखिए कैसे चीरा जाता है बहाव को, देखिए। नाव उल्टी तरफ, नाव उल्टी तरफ, बहाव पानी का इस तरफ, नाव ऊपर की तरफ, जैसे ऊपर चढ़ाई चढ़ रही, काफी चप्पू मारे थे, बहाव की उल्टी दिशा में, और कहा, देखिए। गुरु तांत्रिक एक बार हैरान हो गए, ये तो सच में उल्टी दिशा में जा रही है। फिर बब्बन ने कहा, बस अब मैं थक गया, अब मैं और चप्पू नहीं मार सकता। बब्बन थक गया था। फिर वो जो कश्ती थी बहाव के साथ गई, बब्बन चप्पू चला नहीं पाया, बब्बन थक गया था, लेट गया। फिर वो जो गुरु तांत्रिक थे कह रहे, मरेगा मरेगा, चप्पू मुझे पकड़ा। गुरु तांत्रिक ने चप्पू मारे, उल्टी दिशा में थोड़ा चलाया, गुरु तांत्रिक भी फिर थक गए, चप्पू वो भी चला चुके, बब्बन भी चला चुका। फिर गुरु तांत्रिक ने बब्बन को कहा था, बब्बन ये तूने कहाँ फंसा दिया? बब्बन ने कहा था, विश्वास कीजिए, हमारी नियति हमें जहां लेकर जाना चाहती है वहां लेकर जाएगी। नियति उस तरफ ले जाने लगी, बहाव के साथ वो कश्ती जा रही थी, बहाव के साथ जाती गई पहाड़ी से दूर। गुरु तांत्रिक कहने लगे, हम तो दूर जा रहे हैं। बब्बन ने कहा था, यकीन कीजिए नियति पर। नदी के बहाव के साथ वो कश्ती जाती गई, आगे आ गया झरना, बहुत ऊंचा झरना, पानी बहुत ऊंचाई से नीचे गिरता था, मरने के चांस ज्यादा थे। गुरु तांत्रिक ने कहा, बब्बन कर कुछ। बब्बन ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, वो जो झरना था ना, पानी ऐसे गिरता था, ऐसे नायग्रा वाटरफॉल की तरह, ऐसे
बब्बन कहने लगा एक तरफ लेकर जाता हूँ। ऐसे बना हुआ था नदी का बहाव, बब्बन एक तरफ ले जाता गया। चप्पू चलाए थे बब्बन ने एक तरफ। बब्बन बहुत खुश हंसने लगा बहुत ऊंची आवाज में। गुरु तांत्रिक ने कहा क्या कर रहा है, हंस क्यों रहा है, क्या बच गए हम? बब्बन ने कहा नहीं, मुझे फिल्म याद आ गई, समंदर के लुटेरे मुर्दे का खजाना, उसमें यही स्टंट हुआ था। गुरु तांत्रिक ने कहा था बब्बन बचा ले, बब्बन बचा ले, जल्दी कर। बब्बन चप्पू चला रहा। वो जो कश्ती थी ना नदी के एक किनारे पर आई, यहाँ वो झरना था, कश्ती झरने से नीचे गिरती, बिल्कुल फिल्मों की तरह ऊंचे झरने से नीचे गिरने के बाद बचना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। वहाँ बब्बन अपनी बहादुरी दिखा पाया था। गुरु तांत्रिक जो कश्ती पर थे, बब्बन ने लगा दी छलांग, बब्बन सीधा नदी के किनारे पर, गुरु तांत्रिक झरने से नीचे कश्ती समेत। बब्बन एक तरफ गिरकर कहने लगा था गुरुजी मैंने कर दिखाया, बच गए हम। नदी के एक किनारे पर बब्बन कह रहा गुरुजी बचा लिया, गुरुजी बचा लिया, झरने से नदी के बहाव से भी हम बच गए। देखने लगा गुरुजी कहाँ हैं। गुरुजी झरने से नीचे गिर चुके थे, आवाज एक आई थी चीख की। फिर बब्बन को समझ में आया, बब्बन उतरा था काफी समय लगाकर फिर बहुत नीचे। झरना नीचे जो था ना, नीचे बहाव कम था, चौड़ा इलाका था तो पानी बहाव के साथ आ रहा, नीचे बहाव कम, यहाँ ज्यादा बहाव से कोई ले जा नहीं सकता था पानी कितना भी होता। फिर बब्बन नीचे उतरकर गुरु तांत्रिक को ढूंढने लगा। वो तांत्रिक उस पानी में मिल नहीं रहा था, पानी ज्यादा नहीं था, चौड़ा था, इसीलिए पत्थर भी नजर आ रहे। फिर बब्बन ने एक किनारे पर गुरु तांत्रिक को देखा, बेहोश। गुरु तांत्रिक वहीं पड़े थे, चोट काफी ज्यादा लगी हुई, कश्ती तो टूटी पड़ी थी। बब्बन रोया, बब्बन इसलिए नहीं रोया कि गुरुजी को चोट लगी थी, बब्बन इसलिए रोया कश्ती टूट गई। बब्बन ने कहा कितनी मेहनत की थी, फिर सोचा चलो गुरुजी तो बच गए। वो गुरु तांत्रिक एक तरफ पड़ा, बब्बन ने उठाया, जख्मी था वो गुरु तांत्रिक, मुंह में पानी पड़ चुका, शरीर ठंडा फिर चुका, जिंदा थे वो तांत्रिक जिंदा, लेकिन शरीर ठंडा था। बब्बन को पता था भीगने के बाद शरीर ठंडा होता जाएगा, गुरु मर सकते हैं, वो तांत्रिक मर सकते हैं, मुझे इन्हें बचाना होगा। बब्बन इसके बाद शरीर से पानी निकाला, पेट में मारा, थोड़ी सी सांस आ रही लेकिन शरीर बहुत ज़्यादा ठंडा था। बब्बन उन्हें लेकर गया था पास की एक गुफा में, वहाँ एक गुफा बनी हुई। बब्बन को लग रहा जो करना है जल्दी करना है, ऐसा ना हो ठंडा शरीर होने के कारण उनकी मौत हो जाए, मुझ पर इल्ज़ाम आएगा, बचाना है इन्हें, बचाना है। बब्बन उस गुफा में गुरु तांत्रिक को ऐसे रखे हुए और सोच रहा कैसे गर्मी दूँ, कैसे गर्मी दूँ, जिस्म की गर्मी दूँ। फिर बब्बन ने एक बार फिल्मों के बारे में सोचा और सोचा नहीं, ये भी मर्द है, मैं भी मर्द हूँ, जिस्म की गर्मी नहीं दी जा सकती, कुछ और करना होगा। बब्बन ने तरीका लगाया, यहाँ कई लकड़ियाँ हैं, आग जलानी होगी। बब्बन को लगा आग जलाऊंगा तो गर्मी होगी, गर्मी गुरुजी को मिलेगी तो गुरु तांत्रिक बच पाएंगे। वो गुफा में कई लकड़ियाँ लेकर आया था, लकड़ियाँ घिसाता गया, घिसती गई, धुआं हुआ, आग लग गई। एक लकड़ी को आग लगी, लकड़ियाँ इतनी ज़्यादा लेकर आया था, गुरुजी को बीच में लेटाया हुआ, शरीर ठंडा था, मौत कभी भी आ सकती थी, गर्मी की जरूरत थी। बब्बन को लगा गर्मी तो ज्यादा देनी होगी। बब्बन ने उस गुफा में सभी लकड़ियों को आग लगा दी, चारों तरफ आग लगाई थी क्योंकि चारों तरफ गर्मी चाहिए थी। बब्बन ने गुरुजी को बीच में लेटाया, वो तांत्रिक बीच में था, चारों तरफ आग लगाई, गर्मी बढ़ने लगी, बब्बन आ गया बाहर। बब्बन नहीं चाहता था कि गर्मी उसे मिले, उसका शरीर जलने लगा था लेकिन गुरुजी तो ठंडे थे ना। बब्बन आ गया बाहर, अंदर बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा गर्मी। उसके बाद जब गुरुजी को मिली गर्मी, गुरुजी में आ गई शक्ति, गुरुजी भाग कर बाहर आए थे, टांगों पर चोट लगी थी फिर भी गुरुजी बाहर आए। तब बब्बन को लगा गुरुजी मैंने आपको बचा लिया। तब बब्बन को समझ में नहीं आया गुरुजी भागकर बाहर आ रहे हैं, खुशी में बाहर आना चाहिए, थोड़े से काले हो गए थे क्योंकि अंदर आग लगी थी, लेकिन गुरुजी बब्बन को गले लगाने वाले थे, ऐसे भागे आए, अचानक कुछ उठाया बब्बन के मारा। बब्बन समझ नहीं पाया ये कैसा प्यार है। बब्बन ने कहा आप ये क्या कर रहे हैं, मैंने आपको बचा लिया। तब वो तांत्रिक ने बब्बन को काफी ज्यादा पीटा था। बब्बन सोच रहा ये कैसा ज्ञान दे रहे हैं। तांत्रिक कुछ बोला नहीं था, तांत्रिक गालियां भी निकाल रहा, पहली बार तांत्रिक को गालियां निकालते, इतनी गंदी गंदी वाली बब्बन ने देखा। बब्बन कह रहा है आप तो रोका करते थे गाली नहीं निकालनी। उस तांत्रिक ने कहा था मैं क्या करूं, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, क्या है तू, कैसा है तू। बब्बन ने कहा धन्यवाद, मैं जैसा हूं आपके द्वारा बनाया गया हूं। जब ये बात का गुरु तांत्रिक को पता लगा वो रोने लगे थे। बब्बन अब क्या करे, क्या कर रहा है, कैसे कैसे समय में पीछे जाएं, बब्बन मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। बब्बन कह रहा आपकी समझ में नहीं आ रहा तो कौन समझेगा, आप ही बताइए, अब समय में पीछे आ गए हैं। वो तांत्रिक ने कहा था बब्बन मुझे क्यों लेकर आया, मेरी क्या गलती थी। बब्बन ने कहा आपकी कोई गलती नहीं थी लेकिन शिष्य के कर्मों का फल
गुरु को भी मिलता है। वो बहुत रोया था, वो तांत्रिक बहुत रोया था। बब्बन कह रहा, मैं आपको रुलाना नहीं चाहता था, मैं आपको कह रहा हूं मैं ऐसा शिष्य बनूंगा आपको गर्व होगा। उस तांत्रिक ने कहा था, मार दे मुझे, ऐसा गर्व मैं महसूस नहीं करना चाहता। उसके बाद बब्बन उस तांत्रिक की किसी बात को नकारा नहीं करता था। वो तांत्रिक कह रहा, हाथ ऐसे करके, मार बब्बन मुझे, मार दे मुझे, मार दे, इससे अच्छा है मैं मर जाऊं, इससे अच्छा है मैं मर जाऊं। बब्बन ने एक तीखी नोक वाली लकड़ी उठा ली थी। तब उस तांत्रिक ने कहा था, पागल है रुक जा, मैं मजाक कर रहा था। बब्बन ने कहा था, ठीक है। फिर दोनों बात करने लगे, यहां से कैसे निकले, फिर से पहाड़ी की तरफ चलो, सीधे सीधे जाना है, अब चालाकी नहीं दिखानी। बब्बन चलने लगा, बब्बन चलता चलता पहाड़ी के पास, वो तांत्रिक इधर उधर ढूंढ रहा जो पहले 23 साल का तांत्रिक था। वो कहने लगा, कहाँ गुम हो गए थे, कहाँ गए थे, कब से ढूंढ रहा हूँ, क्या कर रहे थे, कहीं और चले गए, जरूरी काम लगता है। तब बब्बन ने कहा था, जरूरी नहीं था, हम भटक गए थे, गलती नहीं हुई हमसे, ऊपर वाला रास्ता भटक गए, हम नीचे की तरफ उतर आए। उसने कहा, नीचे कैसे उतरे, सही से बताओ। बब्बन सच नहीं बताना चाहता था कि वो गिर गए थे, क्या क्या हुआ। बब्बन ने कहा, बस चले गए थे। उसने कहा, फिर से चलो। जैसे ही वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, उसी रास्ते से अब दोबारा वो तांत्रिक बढ़ा। वो तांत्रिक छलांगे लगाते हुए कई ऐसी जगह से निकलता, बब्बन को शक होने लगा। वो तांत्रिक को शक नहीं हो रहा, वो तांत्रिक कह रहा, जल्दी चलो पहाड़ी के ऊपर, सिद्धि करनी है। ऊपर ले जाकर एक ऐसी जगह बब्बन ने उस तांत्रिक को पकड़ा, रुकिए रुकिए जरा। वो तांत्रिक छलांग लगाकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा और कहने लगा, जल्दी जल्दी भागो मेरे पीछे। बब्बन कहने लगा, रुकिए रुकिए, देखिए ध्यान से। थोड़ा आगे चलकर वो गए, देखा खाई। बब्बन कहने लगा, ये कुछ गड़बड़ है, जानबूझकर ऐसी जगह क्यों ले जा रहे हैं ये तांत्रिक, गड़बड़ लग रही है। फिर बब्बन ने कहा, ये तांत्रिक कुछ अजीब से लग रहे हैं, इनकी बातें कुछ अजीब सी लग रही हैं, मैं बस जानना चाहता हूँ, मुझे ये इलाका भी पहचाना पहचाना सा लग रहा था, ये पहचाना पहचाना सा, ये काली पहाड़ी जैसी क्यों है, काली पहाड़ी जैसी जहाँ मैं गया था एक बार जंगल में। गुरु तांत्रिक कह रहे, तुम्हें पहचान में आ रहा है, मैं तो जंगल में गया नहीं था। बब्बन कहने लगा, करण, तुम करण हो ना। सामने से वो तांत्रिक हैरान, क्या बात कर रहे हो। बब्बन कहने लगा, तुम करण हो ना, तुम्हारा भाई अर्जुन और तुम्हारा सौतेला भाई जुड़वा तेजा, तेजा भी है ना। वो सोचने लगा, क्या बात कर रहे हो, कौन हो तुम। बब्बन हंसने लगा, अरे तुम्हारे बारे में तो जानते हैं, बेवकूफ था मैं, पहचान नहीं पाया। छलावा हो तुम, छलावा, जानबूझकर फंसाते जा रहे हो, जानबूझकर फंसा रहे हो। करण, अर्जुन, तेजा, तुम्हारा मुकाबला मैं पहले भी कर चुका हूं, पहचाना मुझे। सामने से वो छलावा अपने रूप में आ गया, नहीं पहचाना, तुम मेरे बारे में कैसे जानते हो। बब्बन कहने लगा, भूल गए भूल गए, तुमसे मैं वो पीतल का। तभी उस गुरु तांत्रिक ने बब्बन के मुंह पर हाथ रखा, पागल है, समय में पीछे है, वो घटना अभी घटी नहीं है, इसे पता नहीं है, वो बात मत बता, भविष्य बदलना नहीं चाहिए, भविष्य बदलना नहीं चाहिए। तब जो बब्बन था कहने लगा, वो मैं कल बताऊंगा। वो छलावा कहने लगा, बता। बब्बन ने कहा, मैं कल बताऊंगा, बात कोई और करते हैं, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। बब्बन कहने लगा, तुम्हें हराने का तरीका भी मैं जानता हूँ, मैं तुम्हें हराने का तरीका जानता हूँ। एक बार के लिए छलावा कांपने लगा, क्या क्या बात कर रहे हो। बब्बन ने कहा, तुम्हें हराने का सबसे तगड़ा तरीका। बब्बन भागा छलावे की तरफ, छलावा एक बार ऐसे मैं गया। बब्बन ने छलांग लगाई, बब्बन घुटनों पर पांव पकड़कर, आप जीत गए, आपको कौन हरा सकता है, आपको हराने का तरीका मैं जानता हूँ, आप जो करना चाहे करें, आप तो छलावा है, मैं कबूल करूँगा, खाई से गिरा दो, झाड़ियों में गिरा दो, कुछ मारना है मार दो, पानी में ले चलो, आपको नहीं हरा सकते, यही आपको हराने का तरीका है। आत्मसमर्पण करते हैं हम, आत्मसमर्पण करते हैं, आपसे कोई नहीं जीत सकता, लेकिन आपकी महानता पता है हमें, करण, अर्जुन, तेजा वाली। वो छलावा जो कि पहले गुस्से में था, फिर शांत हो गया, तुम तो सब कुछ जानते हो कैसे। बब्बन ने इशारों इशारों में कहा, हम भविष्य से आए हैं, हम कोई बात ऐसी बताना नहीं चाहते जिससे भविष्य में कुछ ऐसा हो, मैं पूरा नाम भी अपना नहीं बताना चाहता। फिर वो छलावा दोस्ती भरी बातें करने लगा, बब्बन भी बताने लगा, करण, अर्जुन, तेजा, क्या क्या बनते हो, कमाल करते हो, दोनों में दोस्ती हो गई। छलावा इतना खुश, कोई मिलने आया है, दोस्तों की तरह बात कर रहा, रोने लगा था, मैं तो अकेला रहता हूँ, कोई मिलता नहीं, दोनों ने दोस्ती की। छलावा बहुत ज़्यादा खुश था। उसके बाद काफ़ी बातें हुई, इधर उधर की बातें करने के बाद बब्बन ने कहा, अब हमारा वो काम कर दो, सिद्धि बताओ हमें। छलावा कहने लगा, कौन सी सिद्धि, पहाड़ी पर ले जाकर पीछे खाई में गिराकर मारना चाहता था, वो कोई सिद्धि नहीं थी, मारना था तुम्हें।
दोनों रोने लगे। अब हम क्या करें, हमें तो आप पर भरोसा था। फिर छलावे ने वैसे ही पूछा, इतना समय क्यों लगाया, पहले आ जाते ऊपर, पहले बात कर लेते, इतना समय नीचे कहाँ रह गए थे, गिर गए थे, जिंदा कैसे बचे। फिर बब्बा ने पूरी बात बताई, कश्ती वाली बात, पीछे आग में कैसे जला दिया था उस तांत्रिक को, सब कुछ। छलावे एक तरफ बैठे हुए हाथ जोड़कर, सच में ये किया, कमाल है, इतना दिमाग तो मेरा भी नहीं चलता, ऐसे ऐसे किया, तांत्रिक की तरफ इशारा करके, इसने ऐसा किया। वो गुरु तांत्रिक, ये ऐसा, ये मैं क्या करूं। फिर छलावे ने कहा, हाँ फिर भी बच गए। गुरु तांत्रिक ने कहा, हाँ। बब्बन कह रहा, क्या कह रहे हो, मतलब बच गए क्या, मैं बचाया इन्हें, मैंने बचाया, बचा कर लेकर आया, मैं मरने थोड़े ना दे सकता हूँ गुरु तांत्रिक को। छलावे ने सांत्वना दी थी गुरु तांत्रिक को, कोई बात नहीं, ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। गुरु तांत्रिक ने कहा था धन्यवाद। इसके बाद छलावा कह रहा, आप क्या कर सकते हैं, सिद्धि तो मुझे पता नहीं, तुम ऐसा करो मेरे साथ रहो, यहाँ बहुत मजा आता है, लोग आते हैं, हम पहाड़ी से गिराया करेंगे, मरवाया करेंगे और कश्ती में बिठाएंगे, तुम मेरा साथ देना, कश्ती में बिठा कर झरने से गिराया करेंगे, बड़ा मजा आता है, पास में सुना है गांव भी बन रहा है। बब्बन सोच रहा, वो तो सही है लेकिन ये हमारा समय नहीं है, क्या करें, अब जाएंगे कहीं ढूंढेंगे। उस छलावे ने कहा, ढूंढेंगे फिर मैं ही बता देता हूँ, और तरीका पता है। बब्बन ने कहा, पता है? उसने कहा, हाँ। बब्बन ने कहा, क्या तरीका है? उस छलावे ने कहा, जिस ट्रेन से आए हो वो समय यात्रा करवा सकती है, उसमें बिठाने का तरीका मुझे पता है, दोबारा बिठा दूंगा, तुम इस बार अपने उस समय में उतर जाना। गुरु तांत्रिक छलावे की तरफ देख रहा, बब्बन छलावे की तरफ देख रहा, तुम ये जानते थे तो पहले क्यों नहीं बताया? छलावे ने कहा, माफ करना। दोनों ने कहा, धन्यवाद। इसके बाद छलावा कहने लगा, चलो मेरे साथ। छलावा जंगल में लेकर गया उस जगह, कहने लगा, वो जो रेलगाड़ी है ना, ऐसे नजर नहीं आती, कोई धुन, कोई ध्वनि जो ऐसी हो जो सबको परेशान कर दे, फिर रहस्य की किरणें घूमने लगती हैं, तब वो रेलगाड़ी नजर आने लगती है। बब्बन ने कहा, अच्छा वो छोटा गिटार बजाने लगा। एक बार के लिए छलावे ने कहा था, मार दूं तुझे मैं, क्या बजा रहा है? बब्बन ने कहा, यही बजा कर ट्रेन आएगी। तब गुरु तांत्रिक भी, अच्छा ऐसे ट्रेन को बुलाया था? बब्बन ने कहा, हाँ। गुरु तांत्रिक कह रहा, हाय मार दूं से। उसके बाद बजाता गया, जानवर आए वहां पर, जानवर डर कर छलावे से भाग गए कि ये पागल एक साथ यहाँ इकट्ठे, सब डरते थे। इसके बाद ध्वनि बजती गई, ट्रेन आई, ट्रेन का दरवाजा खोला, उसके बाद जो छलावा था ना, पैर रखने लगा ट्रेन पर, राक्षस आ गया, ओए तू मत चढ़, तू चढ़ेगा सब कुछ खत्म हो जाएगा। छलावा कहने लगा, मेरे दोस्तों को छोड़कर आ। राक्षस ने कहा, धन्यवाद, आ जाओ। राक्षस ने खुद बिठाया था दोनों को, गुरु तांत्रिक, बब्बन तांत्रिक। छलावे को कहा था, तू बाहर रहे, छलावा बाहर रहा था। ट्रेन फिर से चली, राक्षस ऐसे नजरें झुकाकर, गुरु तांत्रिक ऐसे कि ये लेकर जाएगा, ये ताकतवर है, मार ना दे। बब्बन ऐसे, बताता हूँ तुझे, जाएगा लेकर कि नहीं? राक्षस कह रहा, दोस्त छलावे बना रखे हैं इसने, अब क्या करूं, छलावे से सब डरते थे। उसके बाद उस राक्षस ने रहस्यमय ट्रेन से उसी समय पश्चिम बंगाल के जंगलों में छोड़ा था बब्बन तांत्रिक को, गुरु तांत्रिक को। रहस्यमय ट्रेन आगे की तरफ पड़ने लगी, वो शाप था उसका, वो राक्षस नहीं, एक पहले इंसान था जो राक्षस बना शाप के कारण, रहस्यमय ट्रेन से जुड़ा। हजारों साल पीछे ट्रेन जाती, हजारों साल आगे ट्रेन जाती, रहस्य का पता लग गया, लेकिन उसे रोका नहीं जा सकता था, दोनों अपने समय में। बब्बन ने गुरु तांत्रिक को गले लगाया, हमने कर दिखाया, रहस्य भी सुलझाया, अपने समय में भी आ गए। तब उस गुरु तांत्रिक ने कहा था, चला जा वरना मार दूंगा तुझे। बब्बन ने कहा था, धन्यवाद, चलिए शमशान घाट में। गुरु तांत्रिक ने कहा था, कौन सा शमशान घाट, मैं जा रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, मैं नहीं बनूंगा तांत्रिक। बब्बन ने कहा था, ऐसा मत कहिए, महानता के किस्से सुनाए जाएंगे, आप मेरे गुरु हैं, आप पर भी लोग गर्व करेंगे। उस तांत्रिक ने कहा था, ऐसा गर्व मुझे नहीं चाहिए, मुझे जिंदा रहना है। बब्बन ने कहा था, जिंदा रहेंगे, यकीन कीजिए मुझ पर। वो गुरु तांत्रिक को यकीन नहीं था, बब्बन को यकीन था, शायद बब्बन के साथ ऐसा हुआ नहीं था। गुरु तांत्रिक का शरीर काला था, गुरु तांत्रिक एक बार भरोसा करने वाले थे बब्बन पर, फिर शरीर देखा, कहने लगे मैं नहीं करूँगा। गुरु तांत्रिक शमशान घाट जाना नहीं चाहते थे, बब्बन अकेला था, बब्बन को लग रहा सब खत्म हो गया, गुरु तांत्रिक छोड़कर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, कहीं दूर। बब्बन को लगा वापस लेकर आऊंगा, भरोसा जीतूंगा। गुरु तांत्रिक शमशान घाट की तरफ ही गए थे और कह रहे,
दोबारा मुझसे आंखें मत मिलाना। बब्बन ने कहा था चश्मा पहनकर आऊंगा, गुरु तांत्रिक ने कहा था मार दूंगा तुझे, मजाक मत कर। बब्बन जानता था गुरु तांत्रिक को कैसे मनाना है, लेकिन इस बार गुस्सा ज्यादा था गुरु तांत्रिक का। बब्बन को कुछ ऐसा करना था कि गुरु तांत्रिक का भरोसा जीता जा सके। बब्बन ने सुन रखी थी कहानियां नेपाल की, किचकन्या की, किचकांडी की। बब्बन को लगा मैं नेपाल जाऊंगा, भारत में शायद ऐसी शक्तिशाली चुड़ैल या प्रेतनी कहें नहीं मिलेगी। किचकांडी नेपाल के उन जंगलों में पाई जाती है, उससे जीतूंगा, उससे जीतूंगा, तब गुरु तांत्रिक मुझ पर भरोसा करेंगे दोबारा पहले की तरह। बब्बन को लग रहा था ये नई शुरुआत है, सच में ये नई शुरुआत हो सकती है। दोस्तों क्या सच में आप भी देखना चाहोगे बब्बन तांत्रिक कैसे किचकांडी या कहें किचकन्या का मुकाबला करता है, बिना अपने गुरु के आदेश के अकेला वहां जाता है, क्या करता है, क्या आप देखना चाहोगे? दोस्तों कमेंट जरूर करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करो, ज्यादा लाइक होंगे तो मैं वीडियो ज्यादा अच्छी बनाऊंगा, ज्यादा लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बब्बन बब्बन डरते रहें। बब्बन ने कहा नहीं आपको बचाना मेरा फर्ज है, उसने कहा तू मरवा देगा, बब्बन ने कहा नहीं मरवाता, यकीन कीजिए अब मैं और चप्पू नहीं मार सकता। बब्बन थक गया था फिर समंदर के लुटेरे मुर्दे का खजाना, उसमें यही स्टंट हुआ था, गुरु तांत्रिक ने कहा था। गुरु तांत्रिक जो कश्ती पर थे, बब्बन ने लगा दी, देखने लगा गुरु जी कहाँ हैं, गुरु जी झरने से नीचे, गुरु तांत्रिक वहीं पर थे, बेहोश पड़े थे, चोट में पानी पड़ चुका, शरीर ठंडा फिर चुका, जिंदा थे, जिंदा। बब्बन ने तरीका लगाया, यहाँ कई लकड़ियां हैं, आग जलानी होगी, आग जलाऊंगा। गुरुजी को जब गर्मी मिली, गुरुजी आए होश में। उस तांत्रिक ने कहा था मैं क्या करूं, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा, क्या है तू, कैसा है तू? बब्बन ने कहा धन्यवाद, मैं जय। तुम ये जानते थे तो पहले क्यों नहीं बताया? छलावे ने कहा माफ करना। दोनों ने कहा धन्यवाद।